पिछले 20 सालों से बहुत युवा अवस्था में जो है मैं पार्टी से मैं आई हूँ। अब मुझे ये लगता है कि हम लोगों को अब नए चेहरों को भी मौका देना चाहिए और अगर पार्टी हाईकमान युवाओं की भी बात सुने और महिलाओं की भी बात सुने। कांग्रेस युवा कांग्रेस में भी हमने 2008 से लेकर जो मैं युवा कांग्रेस में प्रदेश स्तर पे जो है जनरल सेक्रेटरी रही, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो है सचिव के तौर पर जो है मैं 3 बार अपनी जो है फिर से नॉमिनेट होकर आई हूँ। तो मैं अभी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हूँ। और एक सामाजिक मुद्दों की बात करूँ तो मैंने बतौर पंचायत प्रधान 2006 से मैं पंचायत प्रधान भी रही हूँ और उसके बाद मैं जिला परिषद सदस्य भी रही हूँ। लोगों ने मुझे फिर से एक मौका दिया तो मैंने उनकी आशाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की, तमाम वो काम किए जो लोग मुझसे उम्मीद करते थे। और एक सामाजिक संस्था भी चला रही हूँ और वहाँ पर भी चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तरह तरह के मुद्दों को लेकर जो है मैं लोगों के बीच में जाती हूँ। और आगे जो है अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं जरूर अनमोल रिश्तों के लिए। मेरा नाम आशा कंवर है और मैं ठोक विधानसभा क्षेत्र से जो है संबंध रखती हूँ। और मैंने ठोक विधानसभा क्षेत्र एक सेट नंबर है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो मैंने वहाँ से आवेदन किया। मैम किस तरह से देखते हैं जो कांग्रेस पार्टी ने एक आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी कि सभी जो चाहे कार्यकर्ता है चाहे बड़े नेता है वो आवेदन कर सकते हैं निःशुल्क, इस चीज़ को किस तरह से आप देखते हैं इस निर्णय? हम देखो भारतवर्ष में रहते हैं और लोकतंत्र में जो है ये सबको अधिकार है कि वो अपनी बात को रख सकता है और अपने लिए जो है चाहे कोई भी पार्टी हो, आइदर मैं अपनी पार्टी की ही बात नहीं करूँगी, हर पार्टी की मैं बात करूँगी कि हर इंसान जो है कोई भी जो 18 वर्ष से जो है अधिक है तो अपने लिए जो है हम अपनी पार्टी से या संगठन से जो है इस तरह का आवेदन की मांग कर सकते हैं। अगर किसी का जो है समय बहुत समय से अपने संगठन के लिए आपने दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो ज़रूर इसमें जो है उनको आवेदन करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नए चेहरे नए लोगों को आगे आना चाहिए, ये आपकी धारणा? मेरा ये मानना है कि यहाँ पर होश और जोश दोनों से ही पार्टी चलेगी और दोनों से ही जो है हमें आगे बढ़ना है। युवा आपको मालूम है जैसे कांग्रेस पार्टी का इतिहास अगर हम देखें तो 1885 की अगर ये पार्टी है तो इसका इतिहास जो है बहुत लंबा रहा होगा और बहुत लंबे समय से जो है इसमें हमारे तमाम बुजुर्ग साहिबान जिन्होंने जो है पार्टी के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, पार्टी को मजबूत किया है, तो अब समय आ गया है। मुझे ये लगता है कि मैं पिछले 20 सालों से बहुत युवा अवस्था में जो है मैं पार्टी से मैं आई हूँ। अब मुझे ये लगता है कि हम लोगों को अब नए चेहरों को भी मौका देना चाहिए और अगर पार्टी हाईकमान युवाओं की भी बात सुने और महिलाओं की भी बात सुने। मैम जिस ठोक विधानसभा क्षेत्र से आपने आवेदन किया है बात की जाए वहाँ से काफ़ी दिग्गज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी आवेदन किया है, तो उस दौड़ में आशा अपने आपको कहाँ पर देखती है? बहुत अच्छी बात है, जितने ज़्यादा लोग होंगे इसका मतलब है कि फिर भी लोगों का जो रुझान है और पार्टी के लिए जो उनकी श्रद्धा है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। दे आर ऑल माई कोलीग्स और मैंने जैसे पहले आपको कहा कि सब इंसान जितने भी हम लोग पार्टी के वर्कर्स हैं, सच्चे सिपाही हैं, सब ने एक लंबा सहयोग दिया है पार्टी को, तो उनके सबकी जो डिमांड है वो जायज़ है और कोई भी आवेदन कर सकता है। वो पार्टी हाईकमान को निश्चित करना है कि वो किसके झोली में जो है टिकट देते हैं। महिला सशक्तिकरण की बात करती है कांग्रेस पार्टी, आप एक महिला है, आपको क्या लगता है कि महिला पे उम्मीद रखिएगी और महिला पे जो विश्वास करेगी आपकी कांग्रेस पार्टी की अगर बात करती हूँ उससे? देखिए मैं आपकी बात का जवाब आपके जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है उसी में आंसर दूंगी कि मेरी एक अध्यक्षा भी एक महिला है अभी, तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि उन्होंने पार्टी हाईकमान ने जो है मेरी अध्यक्ष अभी एक महिला को बनाया है, रानी प्रतिभा सिंह जी को। और यहाँ पर जो है मुझे इतना मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ज़रूर महिलाओं के लिए भी फाइट करेंगी क्योंकि महिलाओं की अब आए दिन मैंने देखा जैसे पंचायतों में जो है अधिक से अधिक उनकी भागीदारी बढ़ रही है, 33% से लेकर 50% जो है उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है, तो महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं पंचायती राज में। और अगर कांग्रेस पार्टी उनको फिर से विधानसभा में अभी इस तरह के कुछ मौके दें और कुछ परसेंटेज 33% भी अगर कर देती है कांग्रेस पार्टी तो मुझे लगता है कि वो महिलाओं का सम्मान जो है और अधिक बढ़ेगा। और अगर नहीं किया जाता है 33% तो क्या नाराजगी रहेगी या एकजुट होकर फिर आगे चलेंगे? कांग्रेस पार्टी आपको मालूम है कि मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत पुरानी पार्टी है और दूसरी बात यह है कि मेरी जो पृष्ठभूमि है हमेशा समाज सेवा करना जो है मेरी हमेशा से
जो है मेरी मंशा रही है, क्योंकि मैं कैसी पृष्ठभूमि से आई हूँ जहाँ पर जो है समाज सेवा को ही मकसद है, समाज सेवा। तो मैं ये चाहती हूँ कि चाहे वो पार्टी की बात हो, आपको मालूम है जब तक कोई इकट्ठी होकर जो है कोलैबोरेटरी अगर इकट्ठे होकर जो है कोई डिसीजन लिया जाए तो वो मुझे लगता है कि वो हम अंतिम जो है उसमें निर्णय ले सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, जिसको भी पार्टी टिकट देगी उसके लिए जो है मिलजुल कर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी बात करूं तो हमने कांग्रेस पार्टी को शायद जब हम बहुत युवा थे और भी चाहे वो स्कूल कॉलेज के कॉलेज की बात हो, NHUI से लेकर अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया और उसके बाद युवा कांग्रेस में भी हमने 2008 से लेकर जो मैं युवा कांग्रेस में प्रदेश स्तर पे जो है जनरल सेक्रेटरी रही, फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो है सचिव के तौर पर जो है मैं 3 बार अपनी जो है फिर से नॉमिनेट होकर आई हूँ। तो मैं अभी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव हूँ। और एक सामाजिक मुद्दों की बात करूँ तो मैंने बतौर पंचायत प्रधान 2006 से मैं पंचायत प्रधान भी रही हूँ और उसके बाद मैं ज़िला परिषद सदस्य भी रही हूँ। लोगों ने मुझे फिर से एक मौका दिया तो मैंने उनकी आशाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की, तमाम वो काम किए जो लोग मुझसे उम्मीद करते थे। और एक सामाजिक संस्था भी चला रही हूँ और वहाँ पर भी चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तरह तरह के मुद्दों को लेकर जो है मैं लोगों के बीच में जाती हूँ। और आगे जो है अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं ज़रूर जो है